Good morning, students. Today I will show you an inspirational and a devotional video. Yes, students, we are all full of lot of potential, but we need to connect to the Almighty to tap our goodness. जूस पीने के बाद हम इन जूस के डब्बों का क्या करते हैं? फेंक देते हैं, राइट? पर मुंबई में रहने वाली मोनिशा नारके हमारे वेस्ट जूस डब्बों यानी टेट्रा पैक कार्टन्स को रिसाइकिल करके उससे स्कूल की डेस्क एंड चेयर्स बनाती हैं। लेकिन मोनिशा जी, टेट्रा पैक कार्टन्स को रिसाइकिल क्यों करती हैं? मोनिशा जी, इन वेस्ट बेवरेज कार्टन्स से डेस्क एंड चेयर्स कैसे बनाती हैं? और क्या मोनिशा जी को हम अपने वेस्ट टेट्रा पैक कार्टन्स भेज सकते हैं? हम जब भी जूसेस या सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं तो वो ज्यादातर इन टेट्रा पैक कार्टन्स में ही आते हैं, जिसे हम कंज्यूम करने के बाद फेंक देते हैं। एक्चुअली ये टेट्रा पैक कार्टन्स 75% पेपर, 20% पॉलीमर और 5% एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं। बल्कि इसको सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। जब मैं यूएसए से इंडिया लौटी तो एक बार मेरी बेटी को बहुत सारा कॉफ होने लगा और मैं सोचने लगी ये क्यों हो रहा है, और उसे बार बार कॉफ होते गया। तो मैंने इसके पर जाके पढ़ा और देखा कि इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, और मुझे पता चला कि एयर पोल्यूशन एक बड़ा कॉज है जिससे ये हो सकता है। तो मुझे यूज टेट्रा पैक कार्टन्स को हम शेड करके उन्हें हीट और प्रेशर देके काफ़ी मजबूत कॉम्पोजिट शीट्स तैयार हो सकते हैं। ये कॉम्पोजिट शीट्स बना के काफ़ी चीज़ों को रिप्लेस किया जा सकता है। सरकारी भंडार और रिलायंस फ्रेश से जुड़कर कलेक्शन सेंटर्स वहाँ पे तैयार किए, वहाँ पे रिसाइकलिंग बिन्स प्लेस किए जहाँ पे लोग अपनी टेट्रा पैक कार्टन्स जमा कर सकते हैं। फिर हमने एक टीम तैयार की जो वहाँ पे वीकली जाके वो कार्टन्स पिकअप करते हैं और फिर रिसाइकलिंग के लिए भेज देते हैं। तो अब देखते हैं कि मोनिशा जी इन वेस्ट टेट्रा पैक कार्टन से डेस्क एंड चेयर्स कैसे बनाती हैं। रिसाइकलिंग फैक्ट्री में इन टेट्रा पैक कार्टन्स को पहले श्रेड किया जाता है, यानी उसकी चटनी बनाई जाती है, उसको फिर स्प्रेड किया जाता है, फिर हाई टेम्परेचर प्रेशर में उसे कॉम्पैक्ट करके पैनल बोर्ड्स कॉम्पोजिट शीट्स तैयार होते हैं। ये शीट्स काफ़ी मजबूत और ड्यूरेबल रहते हैं। टेट्रा पैक्स के इन बोर्ड्स को ऑलमोस्ट किसी भी फर्नीचर का शेप दिया जा सकता है, जिसकी वजह से वेस्ट तो कम होगा ही बल्कि लाखों ट्रीज कटने से बचाए जा सके। पर मोनिशा जी ने इनकी बेंचेस एंड चेयर्स बना के स्कूल में डोनेट करना सबसे अच्छा समझा। इस तरह से वेस्ट भी रिसाइकल होता है और एजुकेशन भी प्रमोट होता है। Isn't that amazing? तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके घर से कोई भी टेट्रा पैक कार्टन वेस्ट में जा रहा है तो उसे अभी के अभी रोकें और कलेक्ट करके मोनिशा जी को इस एड्रेस पे भेज दें। आज तक गो ग्रीन विद टेट्रा पैक प्रोग्राम हमने 80 लाख टेट्रा पैक कार्टन्स कलेक्ट किए हैं रिसाइकलिंग के लिए। ये कार्टन्स रिसाइकल करके हमने 400 स्कूल डेस्क, 200 गार्डन बेंचेस, काफ़ी सारे रिसाइकलिंग बिन्स और लाखों छोटे प्रोडक्ट्स जैसे पेन स्टैंड, ट्रे, एग्जाम पैड बनाई हैं। तो अगर आप कोई भी फर्नीचर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आप इस ईमेल आईडी पे मोनिशा जी को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोशिश तो बहुत की है पर समझा नहीं तेरे प्यार को। चाहा तो बहुत है, खोजा भी तेरे प्यार को। कोशिश तो बहुत की है पर समझा नहीं तेरे प्यार को। चाहा तो बहुत है, खोजा भी तेरे प्यार को। कोशिश तो बहुत की है पर समझा नहीं तेरे प्यार को। जितना प्यार तुझसे पाया
जितना प्यार तुझ में देखा, जितना प्यार तुझसे पाया, जितना प्यार तुझ में देखा, उतना प्यार कहीं न देखा, कहीं न पाया, कहीं न देखा। कैसे कहूँ मैं, कैसे कहूँ मैं, कैसे कहूँ मैं, चाहा तो बहुत है, खोजा भी तेरे प्यार को, कोशिश तो बहुत की है, पर समझा नहीं तेरे प्यार को। चाहा तो बहुत है, खोजा भी तेरे प्यार को, कोशिश तो बहुत की है, पर समझा नहीं तेरे प्यार को। तुझको पाना मेरी उड़ान है, तुझ में समाना मेरा मुकाम है। तुझको पाना मेरी उड़ान है, तुझ में समाना मेरा मुकाम है। मैंने जो चाहा तूने दिलाया, तू ही है मेरा संगी सहारा। कैसे कहूँ मैं, कैसे कहूँ मैं, कैसे कहूँ मैं, चाहा तो बहुत है, खोजा भी तेरे प्यार को, कोशिश तो बहुत की है, पर समझा नहीं तेरे प्यार को। चाहा तो बहुत है, खोजा भी तेरे प्यार को, कोशिश तो बहुत की है, पर समझा नहीं तेरे प्यार। So students, no ponderings will make them true, nor wishes can conceive. For bringing dreams to life for you, you first have to believe. Now it's time for T3. Hurry up. We will meet soon. Till then, love you. Bye.